हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त, क्या सोच रहे हो आपके बारे में, मन में, दिमाग में, दिलो दिमाग में क्या है उनका, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए खुद को उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, साथ में यूनिवर्स से प्रे ज़रूर कर लें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। और जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकता है नहीं भी, तो जितना रीडिंग आपसे मैच हो रहा है उतना को लीजिए और जो नहीं हो रहा है उसको इग्नोर कीजिएगा। तो क्या है उनकी फीलिंग्स करेंटली जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जो व्यक्ति आपके मन में है क्या है उनकी एनर्जी, क्या राइट नाउ आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, जो भी आपका सिचुएशन है ठीक है, क्या अभी इस वक्त वो आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको, बर्डन। ओके, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस इनका साइन ये आपका हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है या जो चीज़ इन पर बर्डन बन रही है, कुछ सिचुएशन हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है, वर्कलोड हो सकता है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाई दिया है, या कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप सिचुएशनशिप हो सकता है जो कि राइट नाउ इन पर बर्डन बना हुआ है ठीक है। ये ना एनर्जी मैं एक और रीडिंग की थी उसमें भी आया था कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, तो अभी भी वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, इन पर काफ़ी ज़्यादा हावी है ठीक है, जिस वजह से व्यक्ति आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ना इनके एनर्जी ऐसा कि बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं, जो दिमाग है बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं कि समझ नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए आपके साथ, रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में आपके साथ नेक्स्ट क्या होगा या क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रही है, क्योंकि कोई सिचुएशन में आपके पार्टनर मुझे फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, फंसा हुआ ही कहना चाहिए क्योंकि जिस तरह से इनका एनर्जी है मुझे यही मिल रहा है ठीक है। तो अगर देखूं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा सोचते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सोचते या नहीं सोच रहे हैं, सोचते हैं, हमेशा आपको ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये ना एक अलग ही कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, इंटीग्रेशन आए हैं डेफिनेटली, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है इस व्यक्ति को आपके साथ, आपके साथ अलग ही कनेक्शन फील करते हैं, जहाँ दुनिया भर का बर्डन है, काफ़ी स्ट्रेस में है, वहीं आप इनको सुकून प्रोवाइड करते हो आपके बारे में सोचकर, आपसे कनेक्ट खुद को करके एक अलग ही एनर्जी फील करते हैं ये ठीक है। पर समझ नहीं आ रही है इस यूनियन के लिए या कंप्लीशन के लिए, परमानेंट यूनियन के लिए, आपका साथ पाने के लिए इनको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो राइट नाउ मुझे आप दोनों के बीच दूरियां दिखाई दे रही है, आई थिंक यही वजह है आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम्स हो रही है, सॉल्व नहीं हो पा रही है, वो यही वजह है किसी चीज़ का आपके पार्टनर पर मैं बर्डन देख पा रही हूँ ठीक है। पर हाँ, आपको मिस ज़रूर करते हैं, याद ज़रूर करते हैं, और जो आपके साथ अच्छी अच्छी मोमेंट्स रही है, यादें रही हैं, उसको याद करके ज़रूर चाहते हैं, मन करते हैं कि आपकी ओर बढ़े, आपकी ओर आए, वापस से कनेक्ट करे खुद को आपकी ओर, पर सिचुएशन ही ऐसा बन गया ना कि ये नहीं कर पा रहे हैं, आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, पर जुड़ना ज़रूर चाहते हैं, ये मुझे इनके एनर्जी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है। आप सभी हमेशा कहते हो साइंस बताया करो, और क्या है इनकी फीलिंग्स, और क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में, यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, फीलिंग्स और क्या है राइट नाउ मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या सोच रहे हैं वो करेंटली। थंडर बोल्ड, ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा ना, मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं खुद को काम डाउन रखने का, बट ऐसा है ना कि आप इनको बहुत 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 ज़्यादा याद आ रहे हो ठीक है। जो आपके साथ टावर मोमेंट हुआ है, आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, लास्ट टाइम जब आप दोनों बातचीत किए,
आप दोनों के बीच फाइट हुआ उसके बारे में मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो मोमेंट्स इनको याद आ ही जाती है। ठीक है, आपके बारे में सोचते हैं ना या आपकी कनेक्शन के बारे में, दिमाग काम ही करना बंद हो जाता है। एक साथ कई चीज़ें इनको याद आती है और एक तड़प होती है इनमें। ठीक है, और ये भी सोचते हैं कि मैंने तो कोशिश किया था, अपना 100% दिया था, खुद को ही झोंक दिया था इस व्यक्ति पर। मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी देख पा रहे हैं कि शुरुआत में, स्टार्टिंग में आपके पार्टनर ने डेफिनेटली आपका साथ पाने के लिए, आपको पाने के लिए, आप इनसे जुड़ सको, आपके साथ खुद को जोड़ सके, साथ रह सको या आगे बढ़ सके, इसके लिए इन्होंने मेहनत करी थी, हार्ड वर्क करा था आपका प्यार पाने के लिए। आप इनको एक्सेप्ट करो, बिल्कुल इन्होंने हार्ड वर्क करी थी। इनका एनर्जी ऐसा था कि मुझे इसके साथ ही आगे बढ़ना है, आपके साथ फ्यूचर देखने लगे थे ये व्यक्ति। और वहीं जब प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हुआ, आप दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हुआ, थर्ड पार्टी आए, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ठीक है, स्टडी भी हो सकता है, कोई और लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकते हैं जहाँ पर आपके पार्टनर ने किसी को खोया है, सभी एनर्जी मुझे मिल रहे हैं, या आपने खोया है किसी को अपने लाइफ में, कुछ तो प्रॉब्लम्स, कुछ तो घटना इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है जो कि आप दोनों के बीच ना दूरियां को और ज़्यादा बढ़ा दिया, या दूरियां का कारण कहना चाहिए मुझे। तो इनकी एनर्जी ऐसा होता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग में इन्होंने काफ़ी कोशिश करी थी आपके साथ आगे बढ़ने का, पर जैसे ही प्रॉब्लम्स आया, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आए, प्रॉब्लम्स बढ़ते गए, वैसे इन्होंने गिव अप कर दिया। तो ये सोचते हैं कि मैंने 100% दिया था इस रिश्ते को, बट फिर भी टावर मोमेंट आया, फिर भी उसका साथ पा ना सका या पा ना सके। वापस से आपको ज़रूर समझना चाहते हैं कि आप दोनों वापस एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, या आप इनको समझने की कोशिश करो। अगर ये आज आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, या आपको वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो आप चाहते हो, या नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। और जैसा चल रहा राइट नाउ, नो कॉन्टैक्ट है या कम बातचीत हो रही है, तो ठीक है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करो इसमें। राइट नाउ यही चाहते हैं, आप इनको समझो। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझते, इनको डेफिनेटली पता है कि आपको प्यार चाहिए, आप चाहते हो इनसे प्यार और टच में रहो आप दोनों, एटलीस्ट बातचीत तो होनी ही चाहिए आप दोनों के बीच, रेगुलर बातचीत होनी चाहिए जैसे पहले होती थी। ये ज़रूर समझते हैं कि आपका कुछ एक्सपेक्टेशंस है जिसको फुलफ़िल इनको करना चाहिए, और ये नहीं कर पा रहे हैं तो गिल्टी भी फील करते हैं, पर इनको ज़रूर पता है कि आप काफ़ी मैच्योर हो, और जितना आप समझते हो ना शायद ही कोई समझ सकता है। और थोड़ा सा अगर आज ही आपको हर्ट करने हैं इस सिचुएशन के वजह से, तो आप खुद का ख्याल रखो और समझने की कोशिश करो। आपको काफ़ी मैच्योर मानते हैं ये, ठीक है, काफ़ी मैच्योर मानते हैं ये आपको, एक मैच्योर पर्सन की तरह आपको डेफिनेटली देखते हैं। आप दोनों के बीच नेक्स्ट क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, क्या कुछ आगे कुछ कर सकते हैं, ये चांसेस है क्या कुछ करने का, कोई एक्शन लेने का, डिसीजन लेने का, या आपकी ओर आने का, या कांटेक्ट करने का, नहीं करने का, या क्या है इनकी एनर्जी। मैं ना नेक्स्ट एक्शन इनका देखना चाहूँगी, क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट स्टेप आपको लेकर। यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है, एरीज लियो सजिटेरियस भी है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस तो पहले ही ऑलरेडी आ चुके हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट स्टेप मेरे व्यूअर्स की ओर क्या हो सकता है, क्या कोई एक्शन, डिसीजन, फैसला, स्लोइंग डाउन आपकी ओर ज़रूर बढ़ेंगे, बट बहुत स्लोली, ठीक है, मुझे स्लो प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। आपको पेशेंस बनाना होगा, रखना होगा, और इस बीच आपको हार्ड ब्रेक्स का सामना भी करना पड़ सकता है। इंतज़ार करते मुझे दिखाई दे रहे हो, अटैचमेंट फील कर रहे हो, रोते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो,
कभी कभी सिचुएशन ऐसा आएगा आप दोनों के बीच कि आप बहुत ज़्यादा अटैच फील करोगे, आपको ज़रूरत होगी इनकी या इनको आपकी ज़रूरत होगी, कभी किसी सिचुएशन में बातचीत करने की नीड होगी, ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस करोगे कि उसका ज़रूरत है, उसको हग करना है, हग करके कुछ शेयर करना है, बताना है, उसकी बहुत याद आ रही है, पर वो साथ नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, अलोननेस भी फील करोगे। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बढ़ेगा ज़रूर आपका जो रिश्ता है, मुझे स्लो प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ना आपके पार्टनर को किसी चीज़ का डर है, फियर है, थर्ड पार्टी है, कोई सिचुएशन है, लोग अगेंस्ट हैं, किसी का इंटरफियर है, इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली थर्ड पार्टी है, तो मुझे स्लो प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। पर डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो बढ़ रहे हैं आपकी ओर, या आपके कार्ड्स कह रहे हैं, और आप एक्सेप्ट भी करोगे, ठीक है। अगर आप इनको चाहते हो, मर्जी आपकी, जो भी आप चाहो गाइस, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें।